हुआ बुआ, आप बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? और बोलिए, यही तो सुनना चाहते थे हम। इसलिए तो हम प्लान करके बुराई कर रहे थे आपके होने वाले हस्बैंड की। ट्रेनिंग नहीं चाहिए तभी अच्छा खाना बना पाएंगे आप। कृष्ण ने बोला, हाँ और क्या, स्वीट डिश बनाइए। स्वीट डिश ऐसी बनाई के मुंह चिपक गया। नितिन ने बोला, क्या रश्मि, हाँ तुझे तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं आता इसे, सिखाओ इसे। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अच्छा तो बना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। समीर बहुत टेस्टी बना। क्या हुआ बुआ, आप रुक क्यों गई? हाँ। क्या हुआ बुआ, आप बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? और बोलिए, यही तो सुनना चाहते थे हम। इसलिए तो हम प्लान करके बुराई कर रहे थे आपके होने वाले हस्बैंड की, ताकि आप तारीफ करें और हम सुने। वैसे हमारे घर की लेडीज ना बहुत ही लकी है, सब हस्बैंड इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना कि पूछे मत। Well, आजकल चल रहा है कि समीर अंकल आए हैं और रश्मि बुआ का हाथ मांगने आए हैं वो, और हम ऐसे उनके टेस्ट ले रहे हैं बहुत सारे। उनको हमने बुद्ध भी बनाया रश्मि बुआ को, सो दैट हमें सुनने को मिले उनके अप्रिसिएशन, समीर अंकल के अप्रिसिएशन। और हम बहुत ट्रिक्स कर रहे हैं, बहुत उनकी टेस्ट, बहुत उनका टेस्ट ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो तो आपको देखने पे ही पता चलेंगे, सो कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे कि भी जन्माष्टमी गई है तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया, तो जैसे कि ये रिश्ता कहलाता है एक हाउस ऑफ फेस्टिवल कहलाता है। हाँ, सो ये रिश्ता क्या कहलाता है इज अ शो ऑफ फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस। सो जन्माष्टमी को हमने खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया। हमने नक्श भैया को कृष्णा बनाया और उन्होंने कुछ बैड बॉयज एक लड़की को टीज कर रहे थे, तो उस लड़की को भी बचाया और
बहुत मजा आया, भाई कृष्णा बनके बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ लोग तो घर पे भी आ गए थे उनको असली कृष्णा का अवतार समझ के। सो बहुत मजा आया, बहुत कॉमेडी भी थी कुछ कुछ चंक्स में। सो यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू।